हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल जीके मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे हिंदी। ट्वेल्थ के हिंदी में हम जानेंगे, पहले चैप्टर तो हम आपको बता दिए थे ऑब्जेक्टिव में बातचीत, और उनके लेखक कौन थे, जो बातचीत है उनके लेखक थे बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। और उनका जन्म कब हुआ था, 1844 को, और उनका निधन कब हुआ था, 1914 को। चले आइए उसके बाद हम देखते हैं पार्ट नंबर टू। क्या देखेंगे, जो हमारे पार्ट दो है, और पार्ट का नाम क्या है, उसने कहा था, उसने कहा था, और उनका जन्म कब हुआ था। पार्ट नंबर दो कौन लिखे हैं, तो वो आपके लिखे हैं आपके, जो पार्ट नंबर दो लिखे हैं वो कौन लिखे हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जो आपके पार्ट नंबर दो लिखे हैं वो कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और उनका जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 1883 को, 7 जुलाई 1883 को। और जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, इनका मृत्यु कब हुआ था, 12 जुलाई या 12 सितंबर 1922 ईस्वी को इनका क्या हुआ था, निधन हुआ था। तो चलिए आज हम देखते हैं पार्ट नंबर दो का ऑब्जेक्टिव। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती पे बने रहिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, वो है उसने कहा था कहानी का नायक है। ये कौन बोल रहा है, उसने कहा था कहानी के नायक है। तो कहानी के नायक कौन है, हमारे जो कहानी के नायक है वो है लन्हा। कौन है वो, है हमारी लन्हा। तो आपके ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। आइए उसके बाद देखते हैं, तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई, यह किस कहानी का वाक्य है। तो इसमें सिपाही की मां ए नंबर पे दिया है, बी नंबर में उसने कहा था, सी नंबर है जूटन, और डी नंबर है तिरछे। तो इसमें आपको क्या बोल रहा है, तेरी कुड़ाई हो गई, तो ये किस कहानी में से लिया गया है, तो वो है आपके उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर का आंसर आपका क्या होगा, बी। आइए आपका तीन नंबर में क्वेश्चन है, लन्हा सिंह किस कहानी का पात्र है। जो लन्हा सिंह है वो किस कहानी के पात्र है, तो आपके ऑप्शन नंबर में ए दिया है उसने कहा था, बी नंबर में है रोज अवर, सी नंबर में है सुखमय जीवन, और आपके डी नंबर में है तिरज। तो इसमें आपके कौन से सही उत्तर होंगे, तो इसमें आपके सही उत्तर होंगे उसने कहा था। कौन कहा था, उसने कहा था, लन्हा सिंह कहानी का पात्र है, किस कहानी के, तो उसने कहा था। उसके आगे आपका चार नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुई। जो ये आपका कहानी है उसने कहा था, इस कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो सरस्वती पत्रिका में जो इसका पत्रिका छपा किया गया या छपाई किया गया वो कब प्रकाशित हुआ था, तो आपके हुआ था 1915 में। कब हुआ था, 1915 में। उसके बाद है आपका उसके अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, आइए पांच नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। जो उसने कहा था कहानी है इसके लेखक कौन है, आपको यहां भी बताए हम, उसने कहा था इनके लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी नंबर में आपका बालकृष्ण भट्ट, और सी नंबर में है जयप्रकाश नारायण, और डी नंबर में आपका रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो वो होगा आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए उसके आगे है आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ का शीर्षक है। जो चंद्रधर
चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, इनके जो रचित पाठ है उसका शीर्षक क्या है? तो इसमें आपका दिया है ए नंबर में रोज, बी नंबर में है सिपाही की माँ, और सी नंबर में है उसने कहा था, और डी नंबर में है शिक्षा। यहाँ पे पूछा जा रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ की शीर्षक है। तो मतलब रचित मतलब ये किस पाठ का रचित है या उसके किस पाठ को इसने प्रस्तुत किया है या लिखे हैं, तो वो है आपके उसने कहा था। आपके आंसर कौन से होंगे? ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद है आपका उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस कहानी को लिखी है, उसने कहा था, तो ये किस पे आधारित है या किस प्रकार की कहानी है? तो वो है आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है धर्म प्रधान, बी नंबर में है चरित्र प्रधान, सी में है भाव प्रधान, और डी में क्या है आपका कर्म प्रधान। तो आपके जो ऑप्शन नंबर ए है तो वो आपका क्या दिया है धर्म, लेकिन आपके ऑप्शन नंबर ए नहीं होंगे, धर्म पर नहीं है, चरित्र पर नहीं है, वो किस पे है? भाव प्रधान पे है। किस पे है? भाव प्रधान पे। तो आपके ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो वो है आपके भाव प्रधान पे। कौन से ऑप्शन नंबर होंगे? भाव प्रधान। आपके ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? भाव प्रधान। आइए उसके आगे लिखे हैं, एक साइड का तो हो गया आपका, आइए दूसरे साइड में देखते हैं। लिखे हैं लन्हा सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? जो लन्हा सिंह थे इस पाठ के क्या थे, वो कहानी का पात्र थे, तो वो किस देश से युद्ध कर रहे थे? तो आपके ऑप्शन नंबर क्या है? इंग्लैंड। यहाँ पे आपको ऑप्शन चार दिया है, पहला में दिया है पंजाब, बी नंबर में है इंग्लैंड, सी नंबर में है कश्मीर, और डी नंबर में क्या है फ्रांस। तो जो आपके लन्हा सिंह है वो किस देश की ओर से मतलब युद्ध कर रहे थे? तो वो है आपके इंग्लैंड की तरफ से। कहां से? इंग्लैंड के। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए उसके आगे है आपका क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी के कथाकार है, जो मतलब कहानी के कथाकार है या रचितकार है, तो कौन है आपके? ऑप्शन नंबर ए में दिया है रामधारी सिंह दिनकर, बी नंबर में दिया है जयप्रकाश नारायण, सी नंबर में दिया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और डी में है ओम प्रकाश। तो आपको पहले सही से पढ़ लेना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कह रहा है, और उस पात्र का या उस कहानी का लेखक कौन है। यहाँ पे पूछ रहा है कथाकार है, मतलब कहानी के कथाकार कौन है, तो वो है आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए उसके आगे हम लिखे हैं क्वेश्चन नंबर, उसके आगे क्वेश्चन आपका है, गद्य विकास किस काल में, गद्य का विकास किस काल में हुआ? जो गद्य हम लोग पढ़ते हैं या पद पढ़ते हैं, हम लोग दो पढ़ते हैं, गद्य पढ़ते हैं तो गद्य में क्या कहानी पढ़ते हैं, और पद में क्या पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है गद्य का विकास किस काल में हुआ था। आपको ए नंबर में दिया है आदिकाल में, बी नंबर में है भक्ति काल में, और सी नंबर में है रीति काल में, आपका डी नंबर क्या है आधुनिक काल में। तो आपको इसमें से आप ऑप्शन चूज करेंगे कि कौन से काल में आपको ये गद्य का विकास हुआ है, ठीक है? तो वो आपके है कौन, आधुनिक काल में, ठीक है? किस काल में हुआ था गद्य का विकास, कब हुआ था? आधुनिक काल में। उसके बाद है आपका उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटी हुई है, जो उसने कहा था कहानी है, इनके लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और इस कहानी को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है तीन भागों में, बी नंबर में है चार भागों में, सी नंबर में है पांच भागों में, और डी नंबर में है सात भागों में। तो आप लोग पहले पाठ को पढ़िएगा और समझ लीजिएगा, और मैं ऑब्जेक्टिव आपको बता रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा अपने बुक से। यहाँ पे लिखे हैं
ऑप्शन नंबर ए में कितना है, 3 भागों में, बी नंबर में है 4 भागों में, लेकिन हमारे ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, और यहाँ पे लिखे 5 भागों में, तो आपको कौन सा सही है, 5 भागों में क्या किया गया है, कहानी को 5 भागों में बांटी हुई है। चलिए उसकी आगे है आपका क्वेश्चन, किस कहानी को महान कौन बनाता है। इस मतलब कोई भी हम कहानी लिखते हैं तो उस कहानी को महानता किसको मिलती है या किसे कहते हैं, वो है आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है, कहानी का उद्देश्य। पहले हम उसके उद्देश्य देखेंगे कि उसके उद्देश्य में क्या क्या है। उसके बाद है बी, कहानी की रचना शैली, जो कहानी की रचना शैली है वो है, और सी नंबर में दिया है कहानी की घटना, और डी नंबर में दिया है इनमें से कोई नहीं। आप लोग कहानी पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कहानी को महान कौन बनाता है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कहानी को महान उसके उद्देश्य बनाते हैं, जो कहानी की उद्देश्य है वो क्या बनाता है, हमको महान बनाता है। उसके आगे क्वेश्चन नंबर आपका है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म किस दिन हुआ था। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है उनका जन्म किस दिन हुआ था, 7 जुलाई 1883 को। यहाँ पे कहाँ लिखे हैं, 7 जुलाई 1883, यहाँ पे हम आपको ऑप्शन नंबर में गलत कर दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका सात ही होगा, लेकिन यहाँ पे हमको 8 बनाना है, 1883 को, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन है, इसमें 2-3 क्वेश्चन है, हम आपको बोल दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, और आप लोग याद रखिएगा कि क्वेश्चन क्या बोले हैं और उसका आंसर क्या होगा। उसके बाद है आपका, किसी कहानी को महान बनाता है ये तो हम आपको अभी बताएं। उसके आगे आपका, लन्हा सिंह अपना कवन किसे उड़ाता है, क्या है, लन्हा सिंह अपना कंबल किसे उड़ाता है या उड़ाता है, जो लन्हा सिंह है जो उसके कंबल था वो किसको उड़ाया था, तो वो आपका 4 को ऑप्शन दिया है, कौन कौन सा है, वो है वजीरा सिंह को, बी नंबर में है सूबेदार, और सी नंबर में है लप्टन साहब, और डी नंबर में क्या है, बोध सिंह। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बोध सिंह। चलिए उसके आगे आपका क्वेश्चन, लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहा है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, जो लप्टन साहब थे सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहा था, तो कितने लोग थे, तो आपके ऑप्शन नंबर में 4 दिया है, वो कौन कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 10, बी में दिया है 15, और सी में आपका 20, और डी नंबर में है आपका 8। तो इसमें से आपको ऑप्शन चूज करके और सही का टिक लगाना है या उसको रंग देना है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, कितना होगा, 10। चलिए उसके आगे है, लन्हा सिंह लप्टन साहब के साथ किस जिले के शिकार करने गया था। जो लन्हा सिंह थे वो किसके साथ गया था, लप्टन साहब के साथ गया था, और क्या करने गया था, शिकार करने, वो कौन से जिला थे, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, भिवाड़ी, ए नंबर में है भिवाड़ी, बी नंबर में है जगहारू, और सी नंबर में है जगधरी, और डी नंबर में आपका जगपुरी। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर सी सही होंगे, क्या होगा, सी नंबर में क्या बोले हैं, जगाधरी। चलिए उसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन,